हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। गाइस मेरी अभी थोड़ी तबीयत डाउन है तो अभी हम जा रहे हैं सूरजपुर। कहाँ जा रहे हैं रवि? सूरजपुर जा रहे हैं हम। बराही मेला लगता है और काफी प्राचीन मेला है। बराही मेला और प्राचीन, एकदम बहुत प्राचीन मेला है। जब हम छोटे छोटे थे तब भी हम, मतलब मैं तो दूसरी बार जा रहा हूँ मैं यहाँ। 50-100 वर्षों से कंटिन्यू है। हाँ, तो अब वहाँ पे जा रहे हैं और देख क्या क्या है, क्योंकि हमारा संडे है। हम 8 तारीख को है ना हमारा, 8 तारीख में हमारे यहाँ पर इवेंट है, तो उसी की तैयारी में हम जा रहे हैं संडे में। मतलब 9 का है। हाँ, तो संडे 9 तारीख में हम जाएंगे। ये भाई जंगल पूरा बहुत बड़ा जंगल है। कल से स्टार्ट है मेला, तो मेला कल से स्टार्ट है। सो गाइस अभी हम वहाँ पर जा रहे हैं और देख रहे हैं क्या क्या वहाँ पर मेले पर कैसी व्यवस्था, क्योंकि बहुत प्राचीन मेला लगता है यहाँ पर। कुश्ती भी होती है, अलग अलग प्रतियोगिताएं होती हैं यहाँ पर, तो आप लोगों को दिखाएंगे। पूरा व्लॉग पर बने रहिएगा। बाकी 9 तारीख जब हमारा इवेंट होगा तब मैं अलग स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। तो अभी हम जा रहे हैं वहाँ पर सीधे। मैं हूँ, रविंदर है, रोहित है और कुलदीप है। तो बने रहिएगा चैनल पर, मिलते हैं फिर। लव यू। मंदिर तालाब उधर मंची रहेगा, मंची वाला जो प्रोग्राम वाले हैं, प्रोग्राम वाला ये रहेगा जी। अतिथि मंची रहेगा बैठने के लिए, खाने के लिए। बहुत बढ़िया। तो कितना क्राउड आ जा भाई इसमें? 100 तो है। पीछे उधर झूला वोला उधर भाई, अंग्रेजों के टाइम अपनी वाली भी अंदर ही गए। कैसी रही आपके? बहुत बढ़िया भाई, धर्मशाला बहुत अच्छी बना रखी है आपने। तो गाइस कल से ये मेला स्टार्ट हो जाएगा, तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर देख, आप देख ही सकते हैं, ये देखो पूरा। तो गाइस देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर आओ, सूरजपुर के पास है बराही मेला। बहुत ही प्राचीन और बहुत बड़ा मेला लगता है यहाँ पर। मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि अभी मेला कल से स्टार्ट है, तो अभी तैयारियाँ चल रही हैं यहाँ पर। सुनील डिजिटल कलर फोटो स्टूडियो आप इधर देख सकते हो, मतलब विभिन्न विभिन्न प्रकार की यहाँ पर कलाकृतियाँ हैं। और यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं, लाखों लोगों की गैदरिंग है यहाँ पर, तो आप देख ही सकते हो। यस, जंगल स्टार्ट करा और ऑन द स्पॉट ही ना हो, हर चीज़ का फैसला भी सही। खेत के जिस खेत तो ही नॉर्मल खेत में आराम से थोड़ा बहुत खुदवाया करे, कोई ट्रैक्टर पे चढ़ गया, कोई गुटकी पे चढ़ गया, कोई साइकिल पे चढ़ गया, पहले जो जिस सवारी था वो चढ़ गया और अपने गई। इस बार कुछ ऐसी रह गई कि क्राउड लास्ट की जो वाली वो हम कंट्रोल नहीं कर पाए। याद में रख लेना आप मेला देखना अगर आप मेले में आ रहे हैं तो। यस, सीसीटीवी भी लगे। तो अभी हम मंदिर में जा रहे हैं यहाँ पर, जो ये कुआ। हाँ, ये कुआ किससे हुआ भाई? तो पांच उसके पास, तो पांच बताना लो। कुआ भरा पड़ा है, तो मन गहरा हो जाएगा। अभी हम जो यहाँ का प्राचीन मंदिर है वहाँ पे जा रहे हैं हमें। बढ़िया, ये देखो ये बैठक, मतलब बराही मेला, बराही
सूर्य शुद्ध व्यापार मंडल में आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मंदिर है, अभी मंदिर के अंदर जा रहे हैं, हम आपको दिखाएंगे पूरा प्रॉपर। यहाँ भी प्राचीन शिवलिंग है शिव जी की, ये देखो ये लग गए। राजपाल यादव जी अभिनेता भी आ रहे हैं, राजपाल खाले, चाचा सोमलाल, शेख चिल्ली और हम भी आ रहे हैं। हमारी परफॉर्मेंस यहाँ पर पूरी टीम के साथ आएंगे, काफ़ी क्राउड का एरिया है यहाँ पर। अच्छा अच्छा वाओ, सो गाइज इस तालाब की मान्यता ये है कि अगर कोई जैसे चरम रोग या छोटे मोटे रोग होते हैं वो ठीक नहीं होते, तो ये मान्यता है कि इसमें आप नहाओगे, आप स्नान करोगे तो एकदम आप ठीक हो जाओगे बिल्कुल। तो आप लोग देख ही सकते हैं यहाँ पर, यहाँ बच्चे, छोटे छोटे बच्चे नहा रहे हैं। यस, ओम नमः शिवाय। सो गाइज ये शिवलिंग जो रावण है उनके पापा यहाँ पर पूजा करते थे, ये प्राचीन तभी की शिवलिंग है। तो महादेव, हर हर महादेव। रावण के पापा का नाम तो विश्वरूपा कुछ कर गया था उसका ना, वही ना। हाँ, हर हर महादेव। तो आज इसके उनके भी दर्शन हो गए हैं। सो गाइज अभी हमारे वापस, और अभी पूरा आप लोगों को दिखाया यहाँ पर मेला है, बाराही मेला जो कि हर साल लगता है, बहुत प्राचीन मेला है यहाँ पर, सूरजपुर में लगता है। सूरजपुर के पीछे आप जब सूरजपुर आएंगे तो आपको पता ही लग जाएगा, यहाँ पर बहुत मतलब क्राउड रहता है सैटरडे संडे। कितने दिन तक रहेंगे? 5 से 12 हाँ, 5 से 12 दिन तक ये रहता है, सॉरी 5 तारीख से 12 तारीख तक है ये जो अप्रैल है, 5 अप्रैल से 12 अप्रैल तक। सो अगर कोई इंटरेस्टेड है, कोई आना चाहता है, मेला देखना चाहता है, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा मेला लगता है यहाँ पर, तो आइएगा अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, तो यहाँ पर आप आना, इंजॉय करना। और हाँ, एक अनाउंसमेंट मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर हमारा इस संडे को, कौन सी डेट है संडे को, 9, तो 9 अप्रैल को हमारे यहाँ पर शो है, इसी के अंदर मेले में स्टेज है हमारा, तो अगर आना चाहो तो 9 तारीख को आओ, संडे को, संडे की इवनिंग में, तो आप हमारे परफॉर्मेंस भी देख सकते हो, और यहाँ पर हमारे आप ये पूरा मेले का भी आप इंजॉय लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो आप मिलेंगे फिर, मस्ती करेंगे उस दिन 10 तारीख को, सॉरी 9 तारीख को आओ, फिर साथ हम इंजॉय करते हैं, मजे करते हैं जबरदस्त तरीके से। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। थोड़ी तबीयत मेरी डाउन है, गला खराब हो रखा है, जुकाम हो रहा है, तो थोड़ी आवाज मेरी चेंज लगेगी आप लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी ये रविंदर रविंदर में आप आओ और लाइव परफॉर्मेंस देखो, हमारी पूरी टीम रहेगी, कोई ना लोड मत, आप सभी आमंत्रित हो 9 तारीख में, तहे दिल से आप आमंत्रित हो। सारी झूलाएं हैं, मतलब तरह तरह की सारी चीजें हैं, जो मेले में वो सब चीजें हैं, मौत का कुआं भी है अगर किसी को इंटरेस्ट है, किसी को देखने का, जब हम छोटे छोटे बहुत एक्साइटेड होते थे, लास्ट दिन, जिस दिन लास्ट दिन होता है मेले का, उस दिन कुश्ती होती है 12 तारीख में, तो जो कोई अगर कोई भाई पहलवान भी है तो अपना 12 तारीख को आ गए, यहाँ कुश्ती कर सकते हैं फ्री, ऐसा नहीं है, कोई भी आके कोई भी एरिया कुश्ती आप जाके कर सकते हैं। और हाँ, फिर एक बात और, तो रवि क्या अपने चैनल क्या नाम है, रवि भाटी ब्लॉग्स पर वीडियो आ चुकी है, तो वहाँ पर भी जाकर एक बार देखें और सपोर्ट करें भाई को, सब्सक्राइब करें, और मुझे भी सपोर्ट करना, ठीक है, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।